वेलकम टू दी ऑरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहां पर मैं हर एक ऑरिजिन स्टोरी शेयर करता हूं। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ऑरिजिन स्टोरी ऑफ स्पाइडर बॉय, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर चीकू ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी जल्दी उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक बिल्कुल ही नया कैरेक्टर है, एंड नया से मेरा मतलब है लिटरली नया कैरेक्टर, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही इसी साल 27 जून को अपियर हुआ है, विच मीन्स ये अभी सिर्फ 3 महीने पुराना कैरेक्टर ही है मार्वल हिस्ट्री में, और इसका सिर्फ एक इशू आया है जिसमें कि इसकी स्टोरी अधूरी है। सो इट्स वर्थ वॉचिंग। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। स्पाइडर बॉय की इशू की शुरुआत होती है जब स्पाइडर वर्स की ऑफिशियली एंडिंग होती है। तो जब सभी स्पाइडर मैन 616 अर्थ में वापस आते हैं, तो कुछ स्पाइडर मैन जो वेब ऑफ डेस्टिनी से इरेज कर दिए गए थे, उन्हें वेब ऑफ डैगर से वापस लाया जाता है, जिसमें था जेसिका ड्रू, ओरिजिनल पीटर पार्कर, केन पार्कर और ऐसे कुछ स्पाइडर मैन। तो जब सभी वापस आ जाते हैं तो सब स्पाइडर मैन खुशियां मनाते हैं, एंड तभी उस डैगर से एक और स्पाइडर मैन अपियर होता है जो कि था स्पाइडर बॉय, जिसे देखकर सभी पूछने लगते हैं कि आखिर ये कौन है और ये किस अर्थ से आया है। जिस पे स्पाइडर बॉय बोलता है कि हे ये मैं हूँ स्पाइडर बॉय, तो वो पीटर एंड माइल से कहता है कि हमने मिलियंस ऑफ एडवेंचर साथ करे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ बेली। पर कोई भी इसे नहीं पहचानता, तो वो गुस्से होकर बोलता है कि फाइन आई एम आउट ऑफ हियर, और वो कूदता हुआ वहाँ से चला जाता है। एंड इधर वो न्यूयॉर्क में कूदता हुआ बिल्डिंग ऑन कारों के ऊपर से जाता है सबको हेलो करता हुआ, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था, एंड सब कह रहे थे कि आखिर ये कौन है, और कुछ लोग उसे ह्यूमन फ्ली बुलाते हैं। तो स्पाइडर बॉय एक दीवार पर चढ़ता हुआ एक छत पे जाता है, और वहां जाकर वो अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है कि अगर मुझे ऐसे कोई नहीं पहचान रहा तो मेरे फेस से शायद मुझे कोई पहचान ले। एंड हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो कि खुद को वेबलेस वॉरियर बुलाता है, यानी कि ये वाला स्पाइडर बॉय वेब शूट नहीं कर सकता, इसलिए ये सिर्फ जंप करके इधर उधर जाता है। एंड जब अपना फोन निकालता है तो उस पर इमरजेंसी कॉल शुरू होता है, जिसपे वो सोचता है कि आखिर मैं कितने टाइम से गायब था जो मेरे फोन पे नेटवर्क भी नहीं है। सो फिर वो देखता है आठ मे को, एंड भाग के आठ मे के पास जाता है ये सोचते है कि वो उसे पहचान लेगी, बट आठ मे भी उसे नहीं पहचानती, और वो उसे पूछती है कि क्या वो पीटर पार्कर का कोई दोस्त है। जिसके बाद वो मिस्टर नेगेटिव की फीस शेल्टर में जाता है जहाँ पर होमलेस पीपल रहते हैं, एंड वहाँ पर वो अपना ड्रॉर खोलता है जहाँ पर वो देखता है कि उसका कोई भी सामान नहीं पड़ा, और वो स्टिकर भी नहीं जो उसने डाले थे, और उसकी मॉम की पिक्चर भी गायब थी। तभी उसकी स्पाइडर सेंस टिंगल करती है और वो देखता है कि एक लड़की खतरे में है जिसके पीछे मिस्टर नेगेटिव के गुंडे पड़े हुए हैं। तो वो कॉस्ट्यूम चेंज करके फटाफट जाता है एंड उन गुंडों से फाइट करता है, लेकिन वो गुंडे भी उसे नहीं पहचानते, जिसपे वो और भी जरा गुस्सा हो जाता है। एंड इसके बाद वो गुंडे बोलते हैं कि तुम कौन हो और तुम हमसे क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर एक थीफ को पकड़ रहे हैं जिसने हमारी चाबी चुराई है। तो स्पाइडरमैन उस लड़की से वो चाबी वापस मांगता है, एंड उसके बाद वो उस चाबी को तोड़ मरोड़ कर गटर में फेंक देता है और कहता है कि अब किसी के पास भी चाबी नहीं है। एंड इसके बाद वो लड़की उसका थैंक यू करती है, एंड वो अपना मास्क उतारता है और उसे अपना नाम बताता है बेली ब्रिक्स, एंड कहता है कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जिसपे वो लड़की कहती है कि नहीं अब है, और वो उसे अपनी फैमिली में ले जाती है जहाँ पर वो खाना खाता है। बट अभी भी उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला कि आखिर उसे कोई पहचान क्यों नहीं रहा। तो यही सब सोचता हुआ वो एक बिल्डिंग पे जाता है जहाँ पर वो एक बिल्डिंग को टच करके अपने सिक्स सेंस से डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो देखता है पीटर पार्कर की मेमोरीज को एंड उसके आने वाले इवेंट्स को, क्योंकि इस वाले स्पाइडरमैन के पास यानी कि स्पाइडर बॉय के पास एक एडवांस सिक्स सेंस है जो कि अभी जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी पहले बता देती है। तो ये देखने के बाद भागकर स्पाइडर बॉय पीटर पार्कर के पास जाता है ताकि वो उसे खतरे से बचा सके। बट तभी उसकी रास्ते में मुलाकात होती है गोल्डन ग्लाइडर से जो कि उस पर पंपकिन बॉम्ब फेंकने वाला था, लेकिन तभी जब वो उसे देखता है कि ये स्पाइडरमैन नहीं बल्कि कोई और है, तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। जिस पर स्पाइडरमैन बोलता है कि यार कम से कम तुम तो मुझे पहचानो, मैं स्पाइडरमैन का ग्राउंड स्पोर्ट हूँ। तो ठीक है, अगर तुम उसे कहलवाना चाहते हो तो मैं कह देता हूँ, मैं उसका साइड किक हूँ। जिसके बाद स्पाइडर बॉय वहां से कूदता हुआ स्पाइडरमैन की ओर बढ़ता है। तभी हम देखते हैं स्पाइडरमैन को जो कि इलेक्ट्रो के साथ फाइट कर रहा है, एंड उसकी स्पाइडर सेंस अभी ठीक से काम नहीं कर रही। तो अभी इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन को मारने जा रहा होता है कि तभी वहां पर स्पाइडर बॉय आ जाता है जो कि इलेक्ट्रो से फाइट करने लगता है, एंड फिर स्पाइडरमैन उसे पूछता है कि तुम अभी तक अपने वर्ड में वापस नहीं गए। स्पाइडर बॉय बोलता है कि लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि यही मेरा वर्ड है और मैं तुम्हारा साइड किक हूँ। मेरा क्या? जिसके बाद स्पाइडर बॉय बोलता है कि तुमने अपनी स्पाइडर सेंस को मेरी तरह काम करने के लिए जेनेटिक चेंजेस किए थे जिसका तुम पर उल्टा असर हुआ है और तुम्हें शायद ये भी याद नहीं होगा। एंड इसके बाद स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो पे पानी फेंकता है उसे हराने के लिए, बट इलेक्ट्रो अभी थोड़ा ज्यादा पावरफुल था तो वो उस पे वापस से अटैक करने वाला था कि तभी स्पाइडर बॉय इलेक्ट्रो के शोल्डर्स पर चढ़कर उसे पकड़ लेता है, एंड हमें पता चलता है कि उसके पास फैंग्स भी है, एंड वो अपने फैंग्स निकालकर इलेक्ट्रो के गले पे काट लेता है,
जिसके कारण इलेक्ट्रो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड ये देख के स्पाइडरमैन सोचता है कि शायद स्पाइडर बॉय ने इलेक्ट्रो को मार दिया, बट स्पाइडर बॉय बोलता है कि रिलैक्स, ये सिर्फ पैरालाइजिंग वेनम है, ये बिल्कुल ठीक है। एंड इसके बाद स्पाइडर बॉय बोलता है कि अपना एक कार्ड निकालो और इसे चिपका दो तुम्हारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाला, जिसपे स्पाइडरमैन बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई कार्ड नहीं है। तो स्पाइडर बॉय वहां से कूदता हुआ निकल जाता है कि कम ऑन, तुम्हारे पास कार्ड भी नहीं है। इसके बाद जब एक बिल्डिंग पे जाता है तभी उसके ऊपर स्पाइडरमैन की लाइट पड़ती है जो कि स्पाइडरमैन डालता है। एंड स्पाइडर बॉय बोलता है कि प्लीज इसे बंद करो, तुम्हें पता है कि मेरी आईज सुपर सेंसिटिव है। तो स्पाइडरमैन नीचे उतरता है एंड स्पाइडर बॉय से बोलता है कि तुम किस दुनिया से आए हो मुझे बताओ, और हाँ तुम मेरे कोई साइड किक नहीं हो और यहाँ पर कोई भी वी नहीं है, इट्स जस्ट मी। एंड इसके बाद दिखाता है नेक्स्ट इशू स्पाइडर बॉय नो मोर। तो यहीं पर पहला इशू खत्म हो जाता है। एंड हमें अभी तक पहले इशू में बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये स्पाइडर बॉय कहाँ से आया है, और अगर इसी यूनिवर्स का है यानी कि अर्थ 616 का, तो इसे कोई पहचान क्यों नहीं रहा। तो अभी ये सब कुछ रिवील होगा नेक्स्ट इशू में, जो कि अभी तक तो फिलहाल रिलीज नहीं हुआ। सो लेट्स होप कि दूसरा इशू जल्दी से जल्दी आए, तो मैं वो भी जरूर कवर करूंगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जरूर लाता रहता हूँ। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी जल्दी इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।